हौज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तमाम तर दरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मैं हूँ सैयद फवाद हैदर, आप देख रहे हैं जम्हूरनामा। पे प्रोटेक्शन के हवाले से मुलाज़मीन के लिए इंतहाई अहम खबर है। मैंने मुलाज़मीन से वादा किया था कि मैं पे प्रोटेक्शन के हवाले से आपको अपडेट दूँगा और इसको फॉलोअप करूँगा। दूसरी खबर मुलाज़मीन के हवाले से वो है कि एक कोर्ट से जजमेंट आई है जो मुलाज़मीन के लिए इंतहाई अहम है। जब ये मुझे किसी ने मैसेज किया था तो मुझे इस मैसेज पे इंतहाई अफसोस भी हुआ था और गुस्सा भी आया था। फर्स्ट टाइम तो मैंने इसे पढ़ा ही नहीं था, जब मैंने पढ़ा था फिर मुझे वो बात काफ़ी वैलिड लगी थी। इन तमाम इश्यूज़ पर बात करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी दबा लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो बात करते हैं उस जजमेंट के हवाले से जिसका मैसेज मुझे वफाक से एक वफाकी मुलाजम ने किया है। मुझे ये दो दिन पहले किया था, मैंने इसे पढ़ा नहीं, हद का रैपर देखकर मजमून समझ जाना। मैंने अपने अंदर अज्यूम कर लिया था कि इसमें क्या होगा। मुझे वो पढ़ के इंतहाई गुस्सा भी आया और दुख भी हुआ कि उसमें यह था कि मुलाज़मीन का जो गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि इनकी तनख्वाहों में से एक दिन की तनख्वाह इनकी डिडक्ट करके सलाबजदगान को दी जाए, तो इस हवाले से मैसेज था। उन्होंने भरपूर इसकी मजम्मत की थी और एक कोर्ट की जजमेंट भी दी थी। तो मैंने उसके सरनामे पर जो उसका टाइटल था वही पढ़ के उसको ऑफ कर दिया। मैंने कहा इंतहाई फजूल किसी का मैसेज है, ये लोग एक दिन की अगर पे भी अपने उन बहन भाइयों को नहीं दे सकते जिनके अमवाल, जिनके बच्चे, जिनका तमाम साजो सामान पानी की नज़र हो गया है, तो आप एक दिन की पे देने से कतरा रहे हैं, इस तरह के मैसेज कर रहे हैं। तो मैंने इसे पढ़ा ही नहीं था, लेकिन जब मैंने दो दिन बाद कुछ और फाइंड कर रहा था फिर मेरी नज़रों से वही मैसेज गुजरा। मैंने पढ़ा, देखा कि उनकी बात बिल्कुल वैलिड थी। उन्होंने पूरी तफसील बताते हुए एंड पे यही दरख्वास्त की थी, यही अपील की थी कि मुलाज़मीन में जो महय्यर हजरात हैं, जिनके सोर्सेज इतने हैं, वो भरपूर तरीके से हमारे उन बहन भाइयों की मदद करें जो सैलाब से इस वक्त इंतहाई मुतासर हैं। तो स्टार्ट में ये लिखा था कि गवर्नमेंट का ये इकदाम कि हर मुलाजम में की पे में से एक दिन की पे डिडक्ट करके खुद ब खुद ये डिसीजन करना कि ये सैलाबजदगान को दे दिया जाए, ये इंतहाई गैर मुनासिब इकदाम है। इसकी अपील सिंध में भी मुलाज़मीन ने कोर्ट में की और कोर्ट की एक जजमेंट आई। कोर्ट की जजमेंट वाजिया थी, उन्होंने इसको कालादम करार दे दिया और सिंध गवर्नमेंट को हुक्म सादर किया कि इसको फिलफौर वापस लिया जाए, इस नोटिफिकेशन को कि मुलाज़मीन की एक दिन की तनख्वाह डिडक्ट की जाए और सैलाबजदगान को दी जाए। उसकी वजह यह बताई, उन्होंने कहा कि इसकी पे का तमाम तर इस्तेहकाक उस मुलाज़म का है, वो जिस तरह चाहे जिसको चाहे दे, कोई दूसरा थर्ड पर्सन, कोई गवर्नमेंट या कोई इदारा खुद अपनी मर्ज़ी से उनकी पे से डिडक्ट करके किसी को नहीं दे सकता। ये कोर्ट की जजमेंट थी। इसी जजमेंट की बेस पर वफाकी मुलाज़म ने मुझे कहा, उसने कहा जनाब देखें हर मुलाज़म एक जैसी इस्तात नहीं रखता, हमारे जो छोटे मुलाज़म हैं उनकी इंतहाई मदहूश हालत है, उनकी इंतहाई सकुम पुरसी वाली हालत है, और जितनी पे वो लेते हैं, फ़र्ज़ करें एक घर में एक खामद है, उसकी एक बीवी है, एक बच्चा, एक बेटा और एक बेटी है, उसके माँ बाप दो साथ रहते हैं, तो छः अफराद बनते हैं। ये बिल्कुल उसके साथ उसका बहन भाई कोई नहीं और कोई अजीज़ नहीं, ये वो रिश्ते हैं जो इंतहाई ज़रूरी हैं उसके लिए। ये छः अफराद रहते हैं, उसका रेंट का मकान है, 30 से 32 हज़ार वो पे लेता है, तो कहते हैं बड़े से बड़ा इकोनॉमिस्ट मुझे एक मंथ का बजट बनाकर दिखाए। इस तरह के शख्स की आप एक दिन की पे डिडक्ट करेंगे तो सोचें उस पर क्या गुजरेगी। ये सैलाब जदगान वाले भाई हमारे जो सैलाब से मुतासर हुए हैं वो तो अभी हुए हैं, लेकिन ये वाले मुलाजम इनका बड़े अरसे से इख्तसाल हो रहा है, इनके हकूक सलब हो रहे हैं, इनका मुआशी कत्ल हो रहा है, जिसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। तो उसने कहा कि इन मुलाजमीन पर कम अज़ कम रहम किया जाए और जो बड़े एम्प्लॉयज़ हैं, जो बड़े मुलाजम हैं, बल्कि हर मुलाजम को ये खुद राइट देना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से जितना चाहे या ना चाहे वो डोनेट करे। लेकिन उन्होंने एंड में कहा कि मैं हर मुलाजम से अपील करता हूँ
जो भी इस्तात रखता है सलाबजदगान के लिए, जितना भी आप निकाल सकते हैं ज़रूर निकालिए, क्योंकि ये हमारा फ़र्ज़ है कि अगर हम अच्छे हालात में हैं तो उनके बुरे हालात में हम उनका ख्याल रखें। दूसरी न्यूज़ थी पे प्रोटेक्शन के हवाले से। मुलाज़मीन मुझे मैसेज भी कर रहे थे और पूछ रहे थे कि इसके बारे में कोई अपडेट है। जी हाँ, इनकी मैंने आज बड़ी सारा दिन डिटेल चेक की है कि अब क्या हो रहा है। तो पंजाब गवर्नमेंट ने 3 दिन पहले जो हायर एजुकेशन है, जो कॉलेजेस के टीचर्स आते हैं, उनकी समरी कॉल कर ली है, उनकी समरी बनाकर सीएम को अरसाल कर दी है। और वो समरी क्या है, उन्होंने इत्तफाक कर लिया है, उन्होंने समझौता कर लिया है इस बात पे कि गवर्नमेंट से हम लमसम बकाया जात के साथ अपनी ये पे प्रोटेक्शन के तमाम मुराद ना मांगे। उन्होंने कहा जी ठीक है, हमें मौजूदा करंट से ही दे दें, हम बकाया जात आपसे डिमांड नहीं करते। मेरा ख्याल है कि उनकी तंजीमों ने यह सोचा है कि जो फिल वक्त मिल रहा है वो लिया जाए और जो बकाया रह जाएगा उसके लिए फिर से फाइट की जाए। अब ये स्कूल एजुकेशन के जो अंडर आते हैं मुलाज़मीन, इनका भी 2-3 साल पहले यही एक मैटर इसी सिनेरियो में बन रहा था कि करंट जो पोजीशन है उस पे आपको पे प्रोटेक्शन की मद में जो मुराद बनती हैं वो दे दी जाती हैं, आप बकाया जात को क्लेम ना करें। लेकिन उस पे तंजीमें और दूसरे मुलाज़मीन ने शोर मचाया कि नहीं, हमें जब से हमारा बनता है तब से हमें तमाम बकाया जात भी दिए जाएँ और करंट जो हमारी पोजीशन है अब तक वो जितने वाजबात के समेत अब से हमें लगा कर दिया जाए। तो वो मामला खटाई में पड़ गया था, लेकिन आज मेरी जिन जिम्मेदारान से बात हुई है उन्होंने मुझे यही कहा है कि अब स्कूल एजुकेशन के टीचर्स के लिए भी यही पैकेज तैयार किया जा रहा है कि इनको मौजूदा अभी की करंट पोजीशन पे जो बनते हैं इनकी तनख्वाह में ऐड कर दिया जाए और बकाया जात को फिल वक्त छोड़ दिया जाए। ये एक इंतहाई अहम यूनियन मेम्बर थे टीचर्स के, उन्होंने मुझे ये कहा कि जो कुछ मिल रहा है उस पर हमें इत्तफाक करना चाहिए और वो बिस्मिल्ला करके ले लेना चाहिए। जो बकाया जात है उनके लिए मैदान खुला है, बाद में फाइट फिर शुरू कर देंगे। ये छोटी सी एक अपडेट थी जो आपको देना मकसूद था। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मेरे लिए दुआ कीजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। हाँ, कहीं भी हूँ, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। किसी और व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।